नेता जी को मिला है, उसके बाद से जो प्रोफेसर के पुतले फूके गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पे और कैसे? देखिए, हमारा तो पूरा समर्थन है, हम वहाँ पर अपना पार्टी का प्रत्याशी नहीं लड़ा रहे, नेताजी को वहाँ से हम समर्थन भी दिया है, जिताएंगे भी। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, पहले नेताजी का वो विधानसभा क्षेत्र रहा, अब हम 5 बार लगातार वहाँ से विधायक हैं, तो हम नेताजी को वहाँ से मैनपुरी से जिताएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रोफेसर के पुतले फूके हैं उसमें देखा, पूरे प्रदेश में विरोध प्रोफेसर का ही है, और प्रोफेसर की वजह से ही समाजवादी पार्टी कमज़ोर हुई है और हम लोगों में विघटन हुआ है। लेकिन प्रोफेसर साहब का कहना है कि जो भी हैं आप भी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि 80 सीटें यदि आप पूरे प्रदेश में उतारेंगे तो या तो समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करेंगे या बीजेपी को जिताने का। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि गठबंधन में मुझे शामिल करो, हमसे बात होना चाहिए था, तो हम तो बहुत ज़्यादा सीटें मांग नहीं रहे, हम तो कुछ ही सीटें मांग रहे हैं, तो हमें दे देना चाहिए था। कांग्रेस से भी हम कह रहे हैं, अगर ये जो गठबंधन हमसे नहीं कर रहे हैं तो बीजेपी को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और फिर बीजेपी के लोगों को बुलाता कौन है, दावत में जाता कौन है, हम तो कभी नहीं ना बुलाया है ना गए हैं, ये तो देखे आप सब लोग देख रहे हो, उनकी दावतों में खाना कौन उड़ा खा रहा है।